नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। स्कूल खुलने वाले हैं, बहुत दिनों बाद स्कूल खुलने का टाइम आ चुका है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने इस छुट्टी को, इस हॉलीडे को या इस वीकेशन को इंजॉय किया होगा, क्योंकि आप घर में थे पूरे टाइम से लॉकडाउन की वजह से, तो आप उस वीकेशन को इंजॉय तो नहीं कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम निम्न बातों पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से पॉइंट होंगे? पहला पॉइंट होगा कि स्कूल खुलने की तारीख क्या होगी, दूसरा स्कूल खुलने का टाइम क्या होगा, तीसरा स्कूल खुलने का तरीका क्या होगा, यानी किस तरीके से स्कूल खुलेगा। तरीका मतलब ये नहीं कि गेट चाबी लगाई और खोल दिया, मतलब ये इस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके कुछ नियम रहेंगे, तो स्कूल खुलने का तरीका क्या रहेगा। चौथा, स्टूडेंट और स्कूल के लिए क्या नियम और शर्तें रहेंगी। पाँचवा, स्कूल में बस सुविधा रहेगी या नहीं रहेगी। और छठा, टीचर और पेरेंट्स के लिए क्या नियम रहेंगे। तो इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ स्कूल खुलने की तारीख का। तो देखिए, अभी HRD मिनिस्टर और जो हमारे CBSE के जो हेड है, उनके बीच में चर्चा हुई है और उन्होंने इसे पाया कि 15 जून या 1 जुलाई से स्कूल खुलने की पूरी पूरी संभावना है। अब दूसरी बात है, स्कूल का समय क्या रहेगा, ये स्कूल खुलने का टाइम क्या रहेगा। तो टाइम यूजुअल टाइम रहेगा, जो भी स्कूल खुलते हैं उसी टाइम पर सारे स्कूल खुलेंगे। अगली बात करते हैं स्कूल खुलने के तरीके की। तो देखिए, स्कूल खुलने के तरीके पर बहुत सारा विचार विमर्श हुआ है सभी लोगों के बीच में। उन्होंने ये पाया है कि जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक क्लास 1 से लगा के क्लास 7 तक स्कूल के विद्यार्थी को नहीं बुलाया जाएगा। ऐसी अभी चर्चा हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फाइनल हो गए, लेकिन अभी तक जो चर्चा हुई उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कक्षा 1 से लगा के 7 तक, यानी क्लास से फर्स्ट से लगा के क्लास 7 तक स्कूल के बच्चे नहीं जाएंगे और 8 से लगा के 12 तक के बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा, पहली बात। दूसरा ये कि स्कूल में जो बच्चों की संख्या है, यानी बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, उसका 30-50% ही बुलाया जाएगा। यानी सपोज़ करिए कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो उसमें से 25 या 20 बच्चे को ही एक दिन में बुलाया जाएगा, बाकी बच्चों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। वैसे आपको मालूम कि हर क्लास में 40-45 बच्चे होते हैं, तो उसमें आधे बच्चे को एक दिन बुलाया जाएगा, आधे बच्चों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। अब वो आधे बच्चे कौन से होंगे, तो इसके लिए लगाया है उन्होंने ऑड इवन सिस्टम। यानी जिन भी लोगों का, जिन भी स्टूडेंट का रोल नंबर 1, 3, 5, 7 यानी इस टाइप के जो रोल नंबर है उनको एक दिन बुलाया जाएगा, और 2, 4, 6, 8 इस टाइप के जो यानी इवन नंबर में जो जिसका रोल नंबर है उनको दूसरे दिन बुलाया जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट दिन पढ़ाई हुई थी वही पढ़ाई नेक्स्ट डे भी होगी। बात करते हैं स्कूल की बस सुविधा की। तो स्कूल में बस सुविधा आपको मिलेगी, यानी बस फैसिलिटी आपको मिलेगी दोनों दिन मतलब सभी दिन बस आएगी। जो ओड वाले बच्चे हैं, ओड रोल नंबर वाले बच्चे हैं, उनको भी लेने आएगी, और दूसरे दिन इवन रोल नंबर वाले बच्चे उनको भी स्कूल बस लेने आएगी। यानी आपको बस की सुविधा की या बस फैसिलिटी की चिंता नहीं करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेरेंट्स और टीचर को किस नियम का पालन करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका बच्चा किसी प्रकार से बीमार तो नहीं है। अगर वो किसी भी प्रकार से उसको बीमार है तो उसको वो स्कूल नहीं भेजे, और साथ ही स्कूल भेजते समय उसकी हाइजीन का विशेष ध्यान रखें, साथ में उसके मार्क्स भी भेजें। इसी तरह से टीचर भी ध्यान रखें कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है या किसी प्रकार से आपकी तबीयत खराब है तो आप स्कूल ना आए, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है किसी और बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए टीचर को इस बात का ध्यान रखना है। बच्चे और स्कूल को क्या ध्यान रखना है, अब मैं ये बताता हूँ कि वो झुंड बना के या एक ग्रुप बना के ना बैठे। अगर जब भी आप लंच कर रहे हैं तो आप अलग से लंच करें। वैसे भी आपके क्लास में जब भी क्लास लगेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, यानी एक बेंच पे या एक सीट पर एक ही इंसान बैठेगा, दूसरा आपके बगल में या आपके साइड में कोई दूसरा इंसान यानी दूसरा स्टूडेंट नहीं बैठेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। उसी प्रकार स्कूल को भी ध्यान रखना है कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें क्लास के अंदर कि बच्चे आपस में पास पास ना बैठे, जिसके कारण किसी प्रकार की कोई संक्रमण उनका ना फैले। तो ये था अभी तक जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो मैंने जहाँ से बात की वो सही है कि नहीं, तो आप जागरण जोश जो पेपर आता है उसमें आप देख सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया वाले पेपर में भी ये देख सकते हैं। जो भी मैंने अभी बोला है वो सारी जानकारी उसमें दे रखी है। आशा करता हूँ कि जो मैंने जानकारी आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।